बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। हमारे पास काफ़ी दिन से इसकी डिमांड आ रही थी कि कैटरपिलर की ईटी के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आज से हम कैटरपिलर की ईटी की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली 3-4 वीडियोस में जो इसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जिसको हम ज़रूरी समझते हैं, उसको इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। कैट ईटी बेसिकली क्या होता है, इसका पूरा मतलब होता है कैटरपिलर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन। तो कैटरपिलर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, जिसको हम कहते हैं कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है। इसके ज़रिए से हम फॉल्ट्स वगैरह डायग्नोस करते हैं, इसके ज़रिए से हम कैलिब्रेशंस करते हैं, इसके ज़रिए से हम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करना हो पैरामीटर्स वगैरह, और इसके अलावा जो स्टेटस पे हमारे पैरामीटर्स होते हैं इंजन के, उन सबको हम मॉनिटर करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें जो है वो शामिल होती हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले तो हमारे पास कंप्यूटर यानी लैपटॉप होना चाहिए, दूसरा कम्युनिकेशन अडॉप्टर होना चाहिए, और तीसरा इसकी केबल्स होनी चाहिए। तो कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। ये बेसिकली इसके मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं, जैसे कैटरपिलर के जो ऑथोराइज डीलर्स होते हैं उनके पास तो ये मतलब सॉफ्टवेयर उनको तो अलाउ होता है, लेकिन जो कस्टमर वर्जन होता है उसमें ये होता है कि उनको परचेज़ करना होता है। तो जब वो परचेज़ करेंगे तो उसका लाइसेंस होता है और हर साल फिर उसको रीन्यू कराना होता है, यानी उसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो इसमें देने पड़ते हैं। तो जिस लैपटॉप में भी आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है उसमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि आप यूज़ कर सकें। अगर आप एक साल बाद जब वो एक्सपायर हो जाए उसका लाइसेंस, उसके बाद आप फिर यूज़ नहीं कर सकते, आपको दोबारा से उसके चार्जेस वगैरह देकर उसको रीन्यू कराना होता है। कम्युनिकेशन अडॉप्टर और केबल जो है बेसिकली ये एक ही साथ आते हैं, इसका एक बॉक्स होता है, तो ये देखना होता है कि कम्युनिकेशन अडॉप्टर और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मैच हो रहा है या नहीं। तो ये अडॉप्टर हमारा इस टाइप का होता है लंबा सा, इसके साथ जो केबल्स होती हैं, एक अडॉप्टर टू कंप्यूटर और एक अडॉप्टर टू जो हमारा कनेक्टर है जिसको हमारे इंजन के ECM पर लगना है, ये केबल होती है, फिर ये लैपटॉप होता है। तो इस तरह हम किसी भी इंजन के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। ये डायरेक्टली या तो इंजन के ECM पर कनेक्ट होता है या फिर EMCP पर होता है। EMCP पे भी, सारे EMCP पे नहीं बल्कि कुछ मखसूस होते हैं कि मसलन EMCP 3 पे कनेक्ट हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा, अक्सर इंजन में EMCP 2 पर भी हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है। तो इस तरह हम इसको कनेक्ट करके, इस एडॉप्टर का काम ये होता है कि कंप्यूटर के जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके और इंजन के ECM के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, तो वो काम ये एडॉप्टर करता है। तो इस तरह हम इसको इंजन पर कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि जो हमारा ECM है इंजन का, उसके साथ ही उन्होंने एक कनेक्टर दिया हुआ होता है, तो कम्युनिकेशन कनेक्टर होता है ECM के साथ। तो ये जो हमारा कनेक्टर है जो एडॉप्टर से आ रहा है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह फिर एडॉप्टर के ज़रिए हमारा जो कंप्यूटर है, जो ET सॉफ्टवेयर है, वो हमारे ECM से कम्युनिकेशन करने लगता है। तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, मसलन फॉल्ट डायग्नोस कर सकते हैं, बहुत सारे रिक्वायर्ड कैलिब्रेशंस कर सकते हैं, जो कि हम इसके बगैर, बहुत सी कैलिब्रेशन ऐसी हैं जो ET के बगैर नहीं हो सकती, बहुत से फॉल्ट ऐसे हैं जो हम ET के बगैर डायग्नोस नहीं कर सकते। इससे बहुत से हम टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाते हैं, वो भी हम इसके बगैर नहीं कर सकते बहुत से। और बहुत से पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें चेंज करना हो या उनको मॉनिटर करना हो, तो वो भी हम इसके बगैर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि ये हमारे कौन कौन से इंजन्स पर या जनरेटर्स पर कनेक्ट होती है, तो ये कैटरपिलर की जितनी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ होती हैं जिनमें ECM लगा हुआ हो, तो उनके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैटरपिलर के डीजल इंजन्स हों, गैस इंजन्स हों, HF हो, जनरेटर्स हों, इंजन्स हों, तो अगर डीजल इंजन्स की बात की जाए तो 3406E जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप, उसमें ECM होता है, उस पर ये कनेक्ट होता है। जो 3406 सिंपल मैकेनिकल टाइप होता है उस पर ये कनेक्ट नहीं होता। 3412 में भी हमारे पास 3 टाइप के जनरेटर्स होते हैं, तो 2 तो जो है वो मैकेनिकल टाइप होते हैं, फिर तीसरा जो है वो 3412 पीक कहलाता है, जिसको हम पीक इंजन कहते हैं, उस पर भी ये कनेक्ट हो जाता है। फिर 3500 सीरीज़ में जो बी होगा, चाहे वो 3508B हो, 3512, 3516B, उन सब पर ये कनेक्ट होती है। फिर सी सीरीज़ है कैटरपिलर की, जो कि एसर्ट सीरीज़ कहलाती हैं, तो C9, C15, C18, C32, C175, इन सब पर ये कनेक्ट होता है। फिर EMCP की हम बात करें तो EMCP 3, 3.1, 3.2, 3.3, फिर EMCP 4, 4.1, तो इन सब पर भी ये कनेक्ट होता है। और ये CDVR जो कि हमारा कैटरपिलर का डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर होता है, उस पर भी कनेक्ट हो जाती है, लेकिन इसका एक अपना अलग से सॉफ्टवेयर आता है, कैटरपिलर CDVR का सॉफ्टवेयर, उस पर भी इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे जब हम CDVR के ऊपर आएंगे।
लेकिन हम ईटी के ज़रिए भी इस पर जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं और इस तक पहुंच सकते हैं। तो इसके अलावा भी और मॉडल्स हो सकते हैं, ये तो सिर्फ हमने जनरली बता दिए कि कैटरपिलर के जितने भी वो इंजन्स या जनरेटर्स जिन पे ईसीएम है जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहे हैं उन सब पर हमारा कैटरपिलर ईटी सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो जाता है। इंशाल्लाह आने वाली 3-4 वीडियोस में हम ईटी को कंप्लीट जो है वो कवर कर लेंगे, जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन सब पर बना लेंगे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में पूछते जाइएगा, तो उनको भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।